अज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 11th लेक्चर है, यूनिट चल रहा था कैसे देखें, और इसमें आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी तम्बाकू नोशी के बुरे असरात। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्मोकिंग का अफेक्ट क्या होता है। स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग हैव बैड अफेक्ट ऑन बॉडी, इट मे काज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट केमिकल प्रेजेंट इन इट। उसकी वजह क्या होती है, सिगरेट स्मोक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से स्मोकिंग की बॉडी के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सिगरेट स्मोक के ऊपर या सिगरेट के ऊपर या तम्बाकू के अंदर कौन कौन से केमिकल कितनी मिकदार में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मैंशन किया है सिगरेट स्मोक कंटेन मोर देन 4000 केमिकल्स, इसके अंदर 4000 से ज़ायद केमिकल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन 4000 से ज़ायद केमिकल में वो कहते हैं 50 नॉन कार्सिनोजेंस, 50 इसमें से कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर स्प्रेडिंग पार्टिकल, कैंसर को फैलाने वाले जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो सिगरेट स्मोक के अंदर यानी टोबैको स्मोक के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इससे से वो कहते हैं मैनी आर पॉइजनस, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पॉइजन होते हैं, जहर होते हैं। ये तो इसके केमिकल इंग्रेडिएंट है टोबैको के अंदर यानी सिगरेट के अंदर जो केमिकल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब मोस्ट पीपल थिंक दैट, ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि सिगरेट स्मोक जो है इट इज़ द ओनली अ काज ऑफ लंग कैंसर, ये सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर का काज बनता है क्योंकि स्मोकिंग से इनहेलेशन के जरिए स्मोक लंग्स के अंदर जाता है। तो लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ लंग कैंसर का काज बनता है, लेकिन इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं था उसका कंसेप्ट, बिकॉज टोबैको स्मोक अफेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम हेड टू टो। ये जो टोबैको स्मोक होता है ये किसी भी शख्स को सर से लेकर पाँव तक यानी चोटी से एड़ी तक अफेक्शन डाल रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर का काज बन रहा होता है। अब वो कैसे मुख्तलिफ किस्म, और इट मे आल्सो काज ऑफ नंबर वन काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर, यानी स्मोकर के अंदर डेथ भी काज बन रहा होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर क्या अफेक्शन पड़ता है, ज़्यादातर टोबैको से जो अफेक्शन है वो कैंसरस डिसऑर्डर है, कैंसरस डिसऑर्डर यानी कैंसर वाली बीमारियां फैलती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, पहला पहला हिस्सा जो है अफेक्टेड होता है वो है ओरल कैविटी यानी मुंह के ऊपर अफेक्शन पड़ रहा होता है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं इट मे काज ऑफ किडनी कैंसर, ये किडनी के कैंसर का भी काज बन रहा होता है। इट मे काज ऑफ लीवर कैंसर, ये लीवर के कैंसर का भी काज बनता है। पैनक्रियाज के कैंसर का भी ये काज बन रहा होता है, ब्रेस्ट कैंसर का भी ये काज बन रहा होता है एटसेट्रा, यानी ये सारे कैंसर डिसऑर्डर हैं जो टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो रहे होते हैं। दूसरा वो कहते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी अफेक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ लंग्स पर अफेक्शन नहीं बल्कि नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज बाय स्मोकिंग, फॉर एग्जांपल एक जो इससे अफेक्शन पड़ता है वो डिसऑर्डर है एम्फिजीमा, एम्फिजीमा वाला जो डिसऑर्डर है दैट इज काज बाय स्मोकिंग, वो स्मोकिंग की वजह से हो रहा होता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं नमूनिया, नमूनिया भी वो कहते हैं टोबैको स्मोक से हो रहा होता है। फिर ने बताया कि सिगरेट स्मोक का अफेक्शन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी बढ़ता है, यानी ब्लड की जो सर्कुलेशन है दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय टोबैको स्मोक। कैसे ये अफेक्टेड होती है, उन्होंने मेंशन किया है टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, टोबैको स्मोक के अंदर वो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस होती है, बेसिकली पॉइजनस यानी टॉक्सिक गैस होती है। व्हेन इट एंटर इनटू आवर ब्लड, जब ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है इट लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन पर अफेक्टेबल होकर ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, एक अफेक्शन ये आ जाता है। दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, वो कहते हैं सिगरेट स्मोक कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल हैव कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, यानी इसके जो केमिकल होते हैं दे इंक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स, ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं। जब ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में ब्लड विस्कस हो जाता है, थिकर हो जाता है। जब ब्लड थिकर होता है तो इट मे काज ऑफ अ डिसऑर्डर नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस,
इससे आर्टरी जो होती हैं वो हार्डन होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं इसका इट मे आल्सो काज ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज, से बहुत से इन्फेक्शन वाली बीमारी भी कहते हैं, नमोनिया भी इन्फेक्शन वाली बीमारी है, इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी भी इसी स्मोकिंग से हो जाती है। उसके अलावा वो कहते हैं इसका अफेक्शन दांतों के ऊपर भी पड़ रहा होता है, वैसे जो बंदा स्मोकर होता है स्मोकिंग से उसके दांत जो होते हैं वीक भी हो जाते हैं, इट मे काज अ वीकन एंड स्टेनिंग ऑफ टूथ, यानी दांतों के ऊपर स्टेनिंग यानी कलर चढ़ जाता है, और उसके अलावा दांत जो होते हैं वो कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर अफेक्शन ऑफ स्मोक। हाँ, इसके अंदर ब्लॉग में मैंशन किया हुआ है एक इम्पोर्टेंट ब्लॉग है निकोटीन। वट इज निकोटीन, निकोटीन क्या है? निकोटीन इज अ केमिकल विच इज आल्सो प्रेजेंट इन साइड द टोबैको स्मोक, सिगरेट के धुएं के अंदर एक केमिकल जिसे निकोटीन का नाम देते हैं ये मौजूद होता है, ब्राउनिश केमिकल होता है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा इंसेक्टीसाइड के तौर पर यूज होने वाला केमिकल था, लेकिन ये टोबैको स्मोक के अंदर यानी सिगरेट के अंदर मौजूद होता है, जो हमारे लंग टिश्यू को भी डैमेज कर रहा होता है और ब्लड में शामिल होकर ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट MCQs। तो बेटा ये आपका टॉपिक होगा। फी अमानिल्लाह।